ग्रीटिंग्स पेंटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी हैलोवीन टू एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं द नन मूवी का वलाक लुक, और थैंक्स टू माय सिस्टर जिन्होंने ये पूरा नन का ड्रेस स्टिच किया। थैंक यू दी फॉर दिस लवली ड्रेस। तो अगर आपको सीखना है तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप अपने स्किन को एंड लिप्स को प्रेप करिए फॉर मेकअप। तो प्रेप करने के लिए आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर ले सकते हो। मैंने लिया है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। एंड लिप को भी हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि स्किन में बहुत सारी चीज़ें भी लगने वाले हैं लाइक प्रोस्थेटिक एंड फेस पेंट। तो सबसे पहले आप अपने आईब्रोज को हाइड करेंगे। तो मैंने लिया है फेबी स्टिक, ये कोई भी शॉप में आपको मिल जाएगा, स्कूल किट में मिल जाएगा। तो अच्छे से लगाने के बाद, अच्छे से कोट करने के बाद मैं ले रही हूँ ये स्पूली। आपके पास कोई भी छोटा सा ब्रश होगा ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपने जो आईब्रोज को फ्लैट कर रही हूँ, ताकि इसके ऊपर हम लोग बाद में प्रोस्थेटिक अप्लाई कर सके, और ब्रश के ये एंड पार्ट से भी अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ, ताकि इसके ऊपर हम लोग आगे वैक्स लगा सके, ताकि ये एरिया अच्छे से स्मूद आउट हो जाए। उसके बाद सुखाने के लिए आप ब्लो ड्राई भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे क्विक ड्राई हो जाता है। मेक श्योर कि अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद मार्स का ये सेटिंग पाउडर ले रही हूँ, आपके पास कोई पाउडर हो आप यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से पाउडर से कोट कर लीजिए, ताकि वो स्टिकीनेस है थोड़ा सा भी ना, वो भी हट जाए। और अच्छे से डस्ट आउट कर रही हूँ। तो गाइस, ये है पॉलीमर। तो अभी हम लोग बनाएंगे डीमन का टीथ। तो इस पॉलीमर को एक्टिव करने के लिए ना आपको गर्म पानी चाहिए, और गर्म पानी में डालते ही ना आप देख सकती है ट्रांसपेरेंट सा हो गया, और ये पूरा ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे आप कोई भी शेप मोल्ड करके आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इसमें येलो आई शेडो दे दिया है, तो ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है ना। उसको आपको आटे की तरह ही गूंथना है, और गूंथते साथ ही देख सकते हो कोई भी शेप दे सकते हो। और उसको मैं ट्राइंगल शेप में काट रही हूँ, ताकि मैं इसमें जो पॉइंटी पॉइंटी शार्प दांत बना सकूं डीमन का। तो अगर आपका थोड़ा सा शेप बिगड़ गया ना, फिर से गर्म पानी इसे मैं डाल के इसको शेप दे सकती हूँ। और सूखने के बाद ये एकदम सख्त हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है पत्थर जैसा। और ये हमारा दांत तो बन गया। अभी मैं मसूड़ा यानी कि गम बना रही हूँ। तो सेम मैंने पॉलीमर लिया है, इसमें थोड़ा सा रेड वाला आई शेडो दे रही हूँ, क्योंकि हमारा जो गम होता है ना थोड़ा पिंक होता है। तो मैंने ये रेड वाला आई शेडो लेके इसको अच्छे से गूंथ रही हूँ आटे की तरह। आपको भी ऐसे ही गूंथना है। और गूंथने के बाद इसको मैं अपने दांतों के शेप के हिसाब से अपने दांतों में फिट करूंगी लाइक दिस। आपको भी ऐसे करना है, और उसको सूखने के लिए थोड़ा छोड़ देना है। उसके बाद हेयर ड्रायर से थोड़ा सा वो एरिया को आपको हीट करना है, और हेयर ड्रायर से ना अच्छे से दांत चिपक जाता है। तो ये हमारा डीमन टीथ तैयार हो गया। अभी मैं ले रही हूँ दोनों ये मॉडलिंग वैक्स, वैसलिन और बेबी वाइप्स। आप कोई भी वाइप्स ले सकते हो। तो फर्स्ट मैं अपने हाथों पे ना वैसलिन लगा रही हूँ, क्योंकि वैक्स बहुत ही स्टिकी होता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने हाथों पे वैसलिन लगा लोगे ना, तो आराम से आप काम कर पाओगे। तो अभी मैं वैक्स निकालूंगी, और सबसे पहले अपने आईब्रोज को हाइड करूंगी, और फेक वाला जैसे कि नन का वो आईब्रोज थोड़ा सा उठा हुआ है, तो वो क्रिएट करूंगी। और सबसे पहले हाथों में अच्छे से ये इसको दबा दबा के इसको अच्छा शेप दे दूंगी, और इसको आईब्रो में लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आईलैश का ग्लू ले रही हूँ, क्योंकि वो चिपक जाए अच्छे से, क्योंकि ये बाद में पसीना आते ही ना वो थोड़ा सा निकलने का डर रहता है। तो अगर आप ग्लू लगा लोगे ना, तो निकलेगा नहीं अच्छे से। और अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, और हाथों से ही दबा दबा के मैं अपने स्किन पे फिट कर रही हूँ। देन वैसलिन से ही ना उसको शेप दे रही हूँ। तो देख सकते हो हमारा जो आईब्रो है बहुत अच्छे तरीके से हाइड हो गया, और जो उभरा हुआ पोर्शन भी जैसा कि नन का है वो भी हो गया। और अभी मैं नोज बनाऊंगी, तो अच्छे से नोज में जो भी ऑयल और पसीना है ना, उसको टिश्यू पेपर से ड्राई कर लीजिए। और मैं व्हाइट वाला आईलैश ग्लू लेके अपने नोज एरिया पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे नोज पे बहुत ज्यादा ऑयल और पसीना आता है। तो मेक श्योर कि आपके नोज को अच्छे से कोट कर लीजिए ग्लू के मदद से। उसके बाद मैं नोज को भी शेप दे रही हूँ, और वैक्स से ही अच्छे से उसको, जैसे कि नन का नोज है ना थोड़ा सा शार्प और लंबा नोज है, उसको शेप दे रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो वैसलिन लगा लगा के अच्छे से शेप देंगे। और जो भी वैसलिन था ना, वो थोड़ा सा ऑयली ऑयली रह गया था, तो उसको हटाने के लिए ना आप लूज पाउडर से डस्ट आउट कर लीजिए, ताकि वो ऑयलीनेस है वो हट जाए, और बाद में इसके ऊपर हम लोग पेंट भी कर सके। और अच्छे से डस्ट आउट करने के बाद देख सकते हो इस तरीके का दिखाई देगा। अभी मैं ले रही हूँ व्हाइट फेस पेंट, और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। ये वाटर बेस्ड फेस पेंट है, आपके स्किन के लिए खराब भी नहीं है। और वाटर बेस्ड जो फेस पेंट होता है ना, धूल भी अच्छे से जाता है। और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने स्किन एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ, और प्रोस्थेटिक एरिया में ना मैं ब्रश से अप्लाई करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी सॉफ्ट पार्ट है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से दबा दबा के फेस पेंट लगाओगे ना, वो निकलने का डर रहता है। तभी मैं फिर से लूज पाउडर से फेस को सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद अभी मैं ले रही हूँ यू कैन बी का ये फेस पेंट, और उसमें से ब्लैक कलर पिक करूंगी। और आप नन का
एक फोटो रेफरेंस लेके ना जो भी डिटेलिंग है वो कर सकते हो, जैसे कि उनके आईज के अराउंड ऐसे ब्लैक ब्लैक है, तो मैं वही क्रिएट कर रही हूँ और फ्लैट ब्रश के हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। और मेरा नोज जो रियल नोज का एरिया है ना उसको हाइड करने के लिए सेम ब्लैक फेस पेंट ले रही हूँ ताकि मेरा जो फेक नोज है उभर के दिखे। और ब्लेंड करने के बाद देख सकते हो थोड़ा सा लुक आ ही रहा है। उसके बाद ब्लैक वाला आई शेडो लेके ना मेरे आईब्रोज के अराउंड थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि रियल नन का है आईब्रोज के अराउंड थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक उनका है। तो मेक श्योर कि आप अपना रेफरेंस के लिए आप नन का पिक्चर देख सकते हो। नोज को भी थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो से। और आई शेडो जैसे कि देने के बाद ना अप्लाई करने के बाद एकदम नोज मेरा उभर के दिखने लगा। उसके बाद उसके अराउंड ना थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो से ब्लेंड भी कर रही हूँ, शेडिंग भी कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा और उभर के दिखे। और अंडर आईज में थोड़ा सा पर्पल ले रही हूँ क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा सा पर्पल था और अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। लिप्स में भी मैंने ब्लैक फेस पेंट अप्लाई किया है और ब्लैक आई शेडो से ही थोड़ा सा ब्लेंड किया है क्योंकि उनके लिप्स के एरिया में भी थोड़ा सा मेसी मेसी ब्लैक कलर है। और सबसे मेन पार्ट है ना गाइस फेस को कॉन्ट्रोल करना क्योंकि नन का फेस बहुत ज़्यादा लंबा है और कॉन्ट्रोल करने से ना वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो देख सकते हो ब्लैक कॉन्ट्रोल से ना फेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। कॉन्ट्रोल करने के बाद फेस में पतला पतला लाइनिंग था वो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ बाय यूजिंग ब्लैक आई शेडो। और ये लाइनिंग क्रिएट करने के बाद हमारा नन एकदम कंप्लीट हो चुका है ये वाला लुक। और लेंसेस और कॉस्ट्यूम पहनने के बाद ना लुक एकदम उभर के आया। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैंने कितना परसेंट जस्टिफाई किया, कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड बाय गाइज़।